हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी कंघी से बहुत ही अच्छी वूलन जूती या सॉक्स आप कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कंघी लेना है। आप मोटे दाने वाली कंघी का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर मेरे पास मोटे दाने वाली कंघी नहीं थी तो मैंने नॉर्मल कंघी का यूज़ किया है। तो अगर आपके पास मोटे दाने की कंघी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे और अच्छे से ये बनकर रेडी होगा। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से कंघी में लपेट देना है। तो लपेटने के बाद हमें ज़्यादा इसको मोटा नहीं करना है, बस हमें 6 या 7 लाइन इसकी चलानी है। तो देखिए इस तरीके से ऐसे हम कर लेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर धागे को कट कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसमें सुई डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोटी वाली सुई का यूज़ किया है, आप पतली भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम इसके ऊपर से पहले एक नॉट लगाएंगे। तो यहाँ से हम एक नॉट लगा देंगे। तो देखिए अब थोड़ा सा हम छोड़कर इसको फिर से हम सुई को डालेंगे। धागे को हमें कट नहीं करना है। और फिर से हम इसको ऊपर से निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से ऐसे निकालने से ये एक नॉट इसमें लग जाएगी, जिससे कि थोड़ी दूर पर एक नॉट लग इस तरीके से आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से नॉट आ गई है। ऐसा ही हमें कुछ कुछ दूरी पर कर लेना है। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ दूरी पर इसको कर लेंगे। मैं ये छोटी कंघी से बनाकर आपको दिखा रही हूँ, आप बड़ी कंघी से और भी ज़्यादा बड़ा इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम दूसरा वाला भी लेंगे और फिर से हम इसको एक नॉट लगा देंगे। फिर से हम यहाँ पे इस तरीके से नॉट लगा देंगे। तो ऐसे ही करते हुए हमें 3-4 यहाँ पे पीसेस बन जाएंगे, ऐसे बना लेना है। और इसके बाद हम इसको कंघी में से निकाल लेंगे। तो ऐसे करते हुए हमें बनाते रहना है। तो ये था सिंपल मेथड कंघी से बनाने का। और अगर आप कंघी से नहीं बनाना चाहते तो आप हाथ से भी इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं, और जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा ये बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैंने छोटी कंघी से बनाकर दिखाया, अब बड़ी कंघी का यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा ये बड़ा बनेगा। पूरा लेंथ इसकी अच्छी खासी लेंगे तो आपका अच्छा ये लंबाई में बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कंघी से भी बना सकते हैं। और अब मैं हाथ से बना कर दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से हमें लाइनिंग्स लेनी है इसकी ऊन की, और उसके बाद हमें एक लंबा धागा रखना है। और इसके बाद बस एक हाथ से हमें इसको पकड़ना है और दूसरे हाथ से इस तरीके से हमें नॉट लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें नॉट लगाएंगे और इसको यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ से हम इसको खींच देंगे। तो ये देखिए ये बन गया है। दो नॉट हम यहाँ पर लगा देते हैं टाइट, और फिर उसके बाद थोड़ी दूर पर फिर से हमें एक नॉट लगाना है, फिर खींच देना है, और फिर से हमें इसी तरीके से बनाते जाना है। देख सकते हैं फिर से हम दूसरा वाला बनाएंगे। तो इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बन गया है। तो ऐसे ही हम पूरा बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइंस बनाई हुई थी और आपस में मैंने एक दूसरे को ज्वाइंट कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसको ज्वाइंट किया है 2 लाइन बनाकर, और ऐसे ही आप बना लें। और इसके बाद अब हम इसको राउंड करेंगे। तो राउंड करने के लिए यहाँ पे एक सेंटर एक कॉर्नर से हमें इसको लेना है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद हम इसको ऐसे राउंड करते जाएंगे। तो सुई धागा आप इसमें लगा दें और इसके बाद आप एक साइड से इसको सिलते भी रहेंगे और हम राउंड इसको करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे राउंड करते रहेंगे।
तो इस तरीके से ये हमारा रोज टाइप में शेप आ जाएगा इसका। तो एक धागा लेंगे हम सुई में और फिर उसके बाद ऐसे हम इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे। तो स्टिचिंग करके भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से हम धागे को लगाएंगे एक कॉर्नर से, फिर उसके बाद हम उसकी स्टिचिंग राउंड करके करते जाना है। तो देखिए ऐसे करते हुए हमें इसको पूरा राउंड कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ से इसको तरीके से लगा लेंगे। तो ये ऐसे हम पूरा इसको करते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर हम स्टिचिंग इसकी लगाते जाएंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पूरा हमें ऊन लेकर स्टिचिंग नहीं करना है, नहीं तो इसका शेप जो है ख़राब हो जाएगा। बस पीछे से हमें ऊन लेना है जितना पीछे के साइड में है और उसी से हमें स्टिचिंग इसकी करते जाना है। तो देखिए इस तरीके से शेप भी इसका आएगा और ये अच्छे से जॉइंट भी हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने पूरा राउंड कर लिया है और इस तरीके का ये बेस बन गया है। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर इस तरीके से रोज शेप में इसकी डिज़ाइन आई है। आप इसको मल्टी कलर में भी बनाएंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से इजी आप रोज़ का ये फ्लावर बना सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका नीचे का बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें चोटी को इस तरीके से गूंद लेना है, ऊन की चोटी हमें बना लेना है। मैंने और भी वीडियोस में बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से आप 12 या 13 लाइन्स ले कर इसको इस तरीके से डिवाइड करके चोटी बना लें। और चोटी बनाने के बाद हम यहाँ पर इसको इस तरीके से 8-8 इंच की दूरी पे ऐसे करते हुए इस तरीके से चोटी को स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम चोटी को स्टिचिंग करते जाएंगे और यहाँ पे हम एक दूसरे में इसको ज्वाइंट करेंगे। तो सुई धागे से हम इसको भी ज्वाइंट कर लेंगे और ये हमें 3 इंच का रखना है चौड़ाई इसकी, और लंबाई हमें 8 इंच रखनी है। तो यहाँ पर हम चौड़ाई पहले इसकी ज्वाइंट कर लेंगे, ये मैंने 8 इंच रखा, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर लेंगे सुई धागे से। तो यहाँ ऊपर की ओर से हम इसको ज्वाइंट करेंगे ताकि हम दूसरे लाइन में इसको कवर कर लें। तो देखिए ये हो गया और ये हम पूरा ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे। ये 3 इंच आना चाहिए ये पूरा इसकी चौड़ाई, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको फिनिश कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग यहाँ पे करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टिचिंग जो करनी है वो हमें 3 इंच की ही करनी है, जो कि लंबाई रहेगी। देखिए ये लंबाई जो है अब हमें 3 इंच कर देनी है, जैसे हमने 8 इंच रखी थी अब हमें 3 इंच की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ से हम इसमें 3 इंच की स्टिचिंग रखेंगे और इसको जॉइंट कर देंगे। ऐसे करते हुए हमें इसको भी चौड़ाई में भी 3 इंच रखना है, लंबाई में भी 3 इंच रखना है। तो इसको भी हम ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसकी चौड़ाई भी 3 इंच रखनी है। तो देखिए ये मैंने बनाकर पूरा रेडी कर दिया है। ये हर तरफ से 3 इंच आपका आएगा, ये देखिए, और ये हमारा इसकी चौड़ाई भी हमने 3 इंच रखी है, लंबाई भी 3 इंच रखी है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये हमारा बनकर बेस कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको जॉइंट कर देंगे। तो जॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम नीचे का पार्ट जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हम नीचे इसकी सिलाई कर देंगे। तो सुई धागे से हम इसको नीचे से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से बराबर करना है। बराबर करने के बाद हम इसको सुई धागे से जॉइंट कर देंगे। ये मैंने इसको जॉइंट कर दिया और अब हमें ऊपर का भी ऐसे ही जॉइंट कर देना है। तो जो ऊपर की सिलाई है वो हमें इस तरीके से करनी है, एक ही तरफ से हमें सुई को ले जाना है और इस तरीके से स्टिचिंग करते हुए धागे को खींच देना है। तो देखिए ऐसे करते हुए हमें पूरा इसको बना लेना है। तो ये कंप्लीट हो गया है। इसको हम यहाँ से अब अच्छे से सिलाई कर लेंगे टाइट, जिससे कि ये खुले नहीं, और यहाँ पे हम पीछे का भी एरिया सिल देंगे।
तो ये हमारा बेस हो गया है और ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया है। और अब हमने जो ये फ्लावर बनाया हुआ था उसे हमें इस तरीके से ऊपर की ओर लगा देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, फ्लावर लगाने से इसका लुक कैसा चेंज हो गया है पूरा। और ये यहाँ पे हमें इसको भी धागे से ज्वाइंट कर देना है। तो सुई धागे की मदद से हम इसको भी ज्वाइंट कर लेंगे और ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप मल्टी कलर में बना सकते हैं, दो कंट्रास्ट में बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने सेम कलर का बनाया है, आप इससे कई तरीके के कलर लगाकर बना सकते हैं और भी प्यारा इसका डिज़ाइन आएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना लें। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से चारों तरफ से जॉइंट कर दिया है और अब इसके बाद हम इस धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको मैं पहन कर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने अपने बिल्कुल साइज़ का बनाया हुआ है। ये ज़्यादा ढीला लगेगा तो भी इसका लुक जो है उतना अच्छा नहीं आएगा, तो आप थोड़ा सा टाइट रखें ताकि आप खींच कर इसको पहन सकें। तो देखिए ये बनकर बिल्कुल रेडी है। आप बिल्कुल सेंटर में इसके कोई भी स्टोन या बटन लगा सकते हैं, फ्लावर, हैंडमेड फ्लावर उनका बनाकर लगा सकते हैं, जिससे कि इसका लुक और भी प्यारा आएगा। तो यहाँ पे मैं एक बटन लगा देती हूँ इसमें। तो ये देखिए, ये बनकर बिल्कुल रेडी है हमारा। वुलन सॉक्स या शूज़ बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में और भी अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से आप दो पीस बनाकर पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो गाइज, आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया होगा तो वन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।